नमस्कार, मैं हूं अर्चना शर्मा और आप देख रहे थे खबरी बाबू। दानापुर पीपापुल हादसा मामले में अपडेट आया है। जेसीबी की मदद से गंगा नदी में डूबी सवारी गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया है। स्थानीय गोताखोर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से नदी से 9 शवों को निकाला गया है। अन्य शवों को निकालने की कवायद जारी है। घटनास्थल पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। घटनास्थल पर दानापुर विधायक रीतालाल यादव भी मौजूद है। वही घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ भी देखी जा रही है। गौरतलब है कि सवारी गाड़ी पर 20 लोग सवार थे। सभी एक ही परिवार के सदस्य थे, शादी समारोह से लौट रहे थे। तभी सवारी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और पीपा पुल के रेलिंग को तोड़ते हुए गंगा में समा गई। सवारी गाड़ी की छत पर जो लोग सवार थे उन्होंने किसी तरह से अपनी जान तो बचा ली, लेकिन जीप के अंदर बैठे लोग गंगा में डूब गए। स्थानीय गोताखोर एनडीआरएफ और एसटीआरएफ की जेसीबी की मदद से सवारी गाड़ी को गंगा से बाहर निकाला गया। वहीं 9 शवों को भी निकाला गया, जबकि अन्य शवों की तलाश जारी है। अब तक 9 शवों को गंगा से बाहर निकाला गया है। मृतकों में 75 वर्षीय रमाकांत सिंह, 50 वर्षीय अरविंद सिंह, 60 वर्षीय गीता देवी, 65 वर्षीय सरोज देवी, 8 वर्षीय आशीष, 75 वर्षीय अनुराधा देवी, 12 साल का एक बच्चा और 14 साल की एक बच्ची भी शामिल है। गंगा में डूबे अन्य लोगों की तलाश जारी है। धन्यवाद, देखते रहिए दीख।